इसे बनाने के लिए सबसे पहले मसाले रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ना 8 से 10 कली लिए हैं लहसुन के, जिसका मैंने ना छिलका नहीं निकाला है। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका छिलका निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यूज़ लहसुन ना बिना छिलके का ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद ना मैं अदरक ली हूँ, 3 से 4 हरी मिर्च ली हूँ फ्रेंड्स, इसमें मैंने ना जीरा डाला है, काली मिर्च डाली हूँ मैं, और इसमें ना खड़ा वाला धनिया डाली हूँ, और कुछ गरम मसाले हमने डाले हैं जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी और ये कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सभी का ना मिला कर के पेस्ट रेडी कर लेंगे। और इसमें आप चाहें ना तो टमाटर भी साथ में ही डाल करके मसाले में रेडी कर सकते हैं, या फिर बाद में भी टमाटर को आप डाल सकते हैं। तो हमने मसाले रेडी कर लिए हैं। उसके बाद ना मैं सरसों तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में, आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फ़ौरन के लिए ना उसमें जीरा डाला है और 1 तेज़पत्ता डाला है फ्रेंड्स। उसके बाद प्याज मैं डाल दूँगी, प्याज मैंने लिए हैं 2 से 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने कटिंग कर लिया था पहले ही, और उसको ना रेड होने तक भून लेंगे। तो फ्रेंड्स प्याज को ना रेड होने तक भून लीजिएगा। उसके बाद ना हमने जो मसाले रेडी किए हैं ना, तो उसको हम इसमें ना ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारा ना प्याज भी अच्छे से भुन गया है, तो हमने जो मसाले रेडी करे हैं ना, तो उसको इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने मसाले में हल्दी का पाउडर जो है ना वो नहीं डाला था। तो इसमें ना हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे, और जो मसाले हमने डाले हैं ना, तो उसको थोड़ा सा धोकर भी मैं उसमें ना थोड़ा सा पानी डाल करके मैं डाल दी हूँ, और मसाले को ना अच्छे से इसको ना भून लेंगे। मसाले को अच्छे से मतलब कि जब तक ना ऑयल थोड़ा थोड़ा ना निकलने लगे ना, तब तक उसमें वो भुनना है। उसके बाद ना मैं 1/2 किलो ना चिकन ली हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद ना इसमें हम जो चिकन 1/2 किलो लिए, तो उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, और उसके बाद ना इसमें चिकन डाल दीजिएगा। और हाँ, मसाला में मैंने ना थोड़ा सा नमक भी डाला है, क्योंकि ना नमक डालने से ना मसाले अच्छे से उसका ना फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो एक बार ना ट्राई ज़रूर करिएगा। और उसके बाद ना चिकन डाल दी हूँ, चला लूँगी, और इसमें थोड़ा सा और नमक मैं डाल दूँगी। आप स्वाद के अनुसार ना अपना नमक कम ज़्यादा जो है वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद ना फ्रेंड्स मैं लो फ्लेम कर दे रही हूँ, थोड़ा सा भून ले रही हूँ चिकन को डाल करके। उसके बाद ना ढक देंगे, उसके बाद लो फ्लेम पर ना इसको पकने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स। लो फ्लेम पर अगर आप पकाएंगे ना चिकन को, तो बहुत ही यमी और टेस्टी बन के रेडी होगा। और ये ना चिकन मैं बिना टमाटर का बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ना इसमें टमाटर का यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें ना तो इसमें टमाटर आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिना टमाटर का बनाई हूँ। तो जब मसाले भूनते हैं ना, तो उसके साथ में मैं प्यूरी बनाकर टमाटो का मैं डाल देती हूँ, लेकिन मैं ना बिना टमाटर का बना करके आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ना इसमें थोड़ा सा ना चिकन मसाला इसमें डाला है फ्रेंड्स, और चिकन मसाला डाल करके ना इसको अच्छे से ना पका लेंगे। और मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड किया है फ्रेंड्स, तो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं भी डालेंगे ना, तो ये बनने के बाद ना बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स एक बार ना इसे ट्राई ज़रूर करिएगा इस तरीके से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। तो हमारा चिकन ना बन के बस रेडी ही होने वाला है। तो देखिए कितना यमी और टेस्टी दिख रहा है फ्रेंड्स। तो चिकन ना बन के अब लगभग रेडी हो गया है। तो इसके ऊपर से ना थोड़ा सा धनिया का पत्ता इसमें डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। मेरे पास धनिया के पत्ते ना फिलहाल नहीं थे, उस टाइम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने नहीं डाला, लेकिन आप ना डाल लीजिएगा। बहुत ही यमी और टेस्टी दिख रहा है फ्रेंड्स। तो आप इसको ना सर्व कीजिए, खाइए फ्रेंड्स, एक बार बनाइए मेरे तरीक़ों से, और बताइए कि आप लोगों को कैसा ये लगा चिकन इस टाइप से बनाकर। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।